ये कहानी सन 895 AD जहाँ पर एक राजा को दिखाया जाता है जो एक जंग जीतकर कई गुलामों और खजानों को अपने साथ लेकर आता है। राजा अपनी पत्नी और बेटे एमलेट से बहुत दिनों बाद मिलता है और वे बहुत खुश थे। राजा जंग में जीते हुए खजानों में से एमलेट को एक गले का लॉकेट देते हैं। फिर उसी टाइम राजा का भाई फिजूर आता है जो बहुत ही जालिम और क्रूर होता है, लेकिन उसने जंग में अपने भाई यानी राजा का पूरा साथ दिया था और उसी की वजह से राजा ने यह जंग जीती थी। इसलिए राजा की वाइफ उन्हें ड्रिंक पीने के लिए देती है। जब रात में राजा और रानी अपने रूम में होते हैं तो राजा अपने जख्म रानी को दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं इस जंग में बहुत जख्मी हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अगला राजा अपने बेटे एमलेट को बना दूँ। लेकिन रानी उन्हें ऐसा करने से साफ मना करती है और कहती है एमलेट अभी बहुत कमजोर है, अभी वह राजा बनने के काबिल नहीं है, छोटा और नासमझ है। अगर तुमने अपने बेटे को राजा बना दिया तो हो सकता है तुम्हारा भाई उसे मार दे, क्योंकि उसने जंग में तुम्हारा साथ दिया है और उसे लगता है कि वह राजगद्दी का अधिकारी है। राजा को पता है जो उसकी पत्नी कह रही है वह बिल्कुल सही है। यह बात सुनकर राजा अपने बेटे को अपने पुश्तैनी मंदिर ले जाता है जो कि बहुत दूर है। राजा एमलेट को बताते हैं कि कभी मेरे पिता मुझे यहाँ लेकर आए थे और देखो आज तुम्हारे पिता तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। जैसे ही बाप और बेटा अंदर जाते हैं तो दोनों एक लोमड़ी की तरह बिहेव करते हैं। फिर तभी वहाँ पर एक प्रिस्ट आते हैं, दोनों को पीने के लिए एक ड्रिंक देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि साबित करो तुम एक डॉग हो या वुल्फ हो। यह सुनकर राजा जोर से दहाड़ता है तो एमलेट भी ऐसा ही करना चाहता है तो उसकी आवाज़ इतनी ज्यादा जोर से नहीं होता है। तभी राजा सुनकर यह कहते हैं तुम कमजोर लोमड़ी हो इसलिए तुम्हें ताकतवर बनना अभी जरूरी है। एमलेट राजा बनने के लिए बहुत सारी रिचुअल्स करते हैं। जब एमलेट डरपोक था और कमजोर था तो बहुत सारी डेड बॉडीज एक पेड़ पर लटकते हुए दिखाई देती है। रिचुअल खत्म होने के बाद जब दोनों मंदिर से बाहर निकलते हैं तो तभी वहां पर राजा का भाई फिजूर अपने साथियों के साथ आते ही राजा पर तीरों से हमला कर देता है और राजा को एक तीर लग जाता है, इसलिए अपने बेटे एमलेट को फौरन वहां से भागने के लिए कह देता है। तब एमलेट वहां से भाग जाता है। के जाने के बाद राजा का भाई फिजूर अपने भाई राजा के पास आता है, वह एक तलवार से अपने भाई का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद फिजूर के बहुत सारे सिपाही एमलेट का पीछा करते हैं और एक सिपाही जैसे ही एमलेट के पास जाकर उसे पकड़ता है तो एमलेट ऐसा करने के बाद वह भाग जाता है, भागकर अपने राज्य वापस आता है जहाँ पर उसने देखा कि उसके अंकल फिजूर ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया है, साथ ही साथ उसकी माँ को भी बंदी बना लिया है। अब उसके बाद एमलेट ने जिस सिपाही को जख्मी किया था वह फिजूर के पास आता है और झूठ कहता है कि एमलेट की समंदर पर डूबने से उसकी मौत हो चुकी है और एमलेट को दिखाया जाता है कि वह एक नाव से उस राज्य को छोड़कर समंदर के रास्ते चला जाता है। वह है कि उसकी माँ को एक दिन जरूर छुड़वाएगा, साथ ही साथ अपने पिता का मौत का बदला भी लेगा। के बाद काफी सालों बाद एमलेट को दिखाया जाता है जहाँ पर एमलेट काफी बड़ा और शक्तिशाली बन चुका था और वह अभी वॉरियर था। वह अपने कुछ साथियों के साथ छोटे छोटे गांवों पर हमला करता था, फिर वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना देता था और वे गांव वालों के घरों और बच्चों को जिंदा जला दिया करते थे। लेकिन एमलेट को अपने साथियों का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसी रात एमलेट उस गाँव पर घूम रहा था तो उसे वहाँ पर बहुत ही अजीब औरत दिखाई देती है। उस औरत ने अपने चेहरे पर एक अजीब तरह का मुखौटा पहना था और उसकी आंखें भी नहीं थी। वह औरत एमलेट से कहती है तुम्हारे सौतेले भाई यानी फिजूर के बेटे ने मेरी आंखें छीन ली है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें देख सकती हूँ। साथ ही साथ एमलेट को भविष्य और पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें बताती है और जब एमलेट को पता चलता है कि जिस गांव में उन्होंने कब्जा किया है उसमें से कुछ गुलामों को अंकल फिजूर को बेचा जाना है तो एमलेट नदी में तैरते हुए गुलामों की नाव आता है जो गुलाम बैठे थे। लेकिन तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिसकी वजह से एक गुलाम लड़की ओल्गा गिरने ही वाली होती है। सही समय पर एमलेट उस लड़की की जान बचा लेता है। अब एमलेट ने ओल्गा की जान बचाई थी
इस वजह से उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर अगली ही सुबह वह नींद से जगते हैं तो वह लोग एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि फिजूर ने अपने भाई राजा को मारा था तो वह यहाँ पर आ गया था। फिजूर के सारे सिपाही गुलामों को आगे ले जाते हैं। तभी ओल्का एमलेट से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ जानबूझकर आए हो किसी खास मकसद के लिए, तो बताओ क्यों। उसे मारने आया हूँ, यानी फिजूर को, और वह मेरे अंकल है जिसने बगावत की, अपने भाई यानी मेरे पिता को मार दिया था। तो फिजूर जब सभी गुलामों को चेक कर रहे थे तो तभी उसकी नज़र एमलेट पर पड़ती है। यहाँ एमलेट उसे इसलिए पसंद आया था क्योंकि उसे एमलेट जैसी ताकतवर गुलामों की जरूरत थी ताकि वह अपने भारी काम करा सके। अब यहाँ एमलेट से काफी मजदूरी कराई जाती, उसे दिन रात काम करवाया जाता है। और एक दिन एमलेट अपनी माँ को यानी रानी को देख लेता है। उसके बाद उसे बहुत दुख होता है, अपनी माँ को किसी भी कीमत पर छुड़वाना चाहता है। जब वह रात को अकेला होता है तभी उसको एक पिग दिखता है और एमलेट उसका पीछा करता है। वह पिग उसे एक गुफा तक ले जाता है और जब वह अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर एक प्रिस्ट होता है जो रिचुअल कर रहा है। प्रिस्ट का स्कल एक तलवार के बारे में बताता है और साथ ही साथ तलवार का पता भी बताता है। तलवार का पता मिलने के बाद एमलेट उस तलवार को ढूंढने निकल जाता है और तलवार को ढूंढते हुए एक गुफा पर पहुँचता है। एमलेट की नज़र राजा की मम्मी पर पड़ती है। वह तलवार उस मम्मी के पास ही होती है और जैसे ही एमलेट उस तलवार को हासिल करने की कोशिश करता है तो वह मम्मी जिंदा हो जाती है और एमलेट पर हमला कर देती है। यहाँ काफ़ी देर तक दोनों के बीच लड़ाई चलती है, लेकिन लड़ते लड़ते एमलेट ने जब मम्मी को रोशनी पर ले जाता है तो उसे पता चलता है जो कुछ भी हुआ वह असली नहीं बल्कि उसका एक भ्रम था। क्योंकि असली मम्मी और तलवार वहीं पर ही थी और एमलेट वहां जाकर के बड़े ही आसानी से तलवार ले लेता है। तलवार के लेते ही राजा की मम्मी तहस नहस हो जाती है और अब एमलेट तलवार लेकर आता है, उसे एक जगह पर छुपा देता है। उसके बाद वह ओल्गा के पास जाता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही फिजूर को मारकर सबको आजाद करवा दूंगा। अगले ही सुबह दिखाया जाता है कि एमलेट और बहुत सारे गुलामों को कहीं दूर ले जा रहे होते हैं। दरअसल यहाँ बहुत ही खतरनाक गेम होती है और उस गेम में इन सभी को भाग लेना है। यह गेम इतनी खतरनाक होती है कि इसमें किसी की भी जान जा सकती है। अब एमलेट और दूसरी टीम आपस में गेम खेल रही होती है तो एक पल ऐसा आता है जब एमलेट की टीम हार रही होती है, जो देखकर फिजूर का बेटा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह गेम के बीच में आ जाता है और एक पल ऐसा आता है जहाँ दूसरी टीम का खिलाड़ी फिजूर के बेटे को मारने ही वाला होता है। तब फिजूर और उसकी पत्नी देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं, पर इससे पहले कि वह फिजूर के बेटे को मारता एमलेट आकर उसे बचा लेता है और साथ ही साथ गेम जीत जाते हैं, जिससे एमलेट और बाकी सभी बहुत खुश होते हैं। फिर रात को जीतने के बाद सारे लोग जश्न मना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फिजूर का एक साथी आता है और कहता है कि आज रात एमलेट ओल्गा के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, क्योंकि वह भी यह बात जानता है कि उन दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि किसी ने फिजूर के साथ सिपाहियों को मारकर मंदिर के बाहर लटका दिया है। फिजूर के साथियों को ऐसा लगता है कि यह सब उनके गुलामों ने किया है, लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कि एक प्रिस्ट होती है। वह कहती है कि यह सब कुछ किसी गुलामों ने नहीं, एक सॉल ने किया है। वह काफी खतरनाक है, वह आत्मा ऐसे ही एक एक करके सबको मारती जाएगी। उससे बचने के लिए हमें एक बलिदान करना होगा। फिर ये लोग रिचुअल करके एक गुलाम की बलि देने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि एमलेट के साथ साथ बहुत सारे कुत्ते भी बोलने लगते हैं और फिजूर का कुत्ता एमलेट पर हमला कर देता है। वह उस कुत्ते को मार देता है। फिर एमलेट उस कमरे में जाता है जहाँ उसकी माँ होती है और कहता है मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मैं अपनी पिता का बदला लेने के लिए आया हूँ। कल मैं फिजूर को मार दूंगा और आपको यहाँ से हमेशा के लिए आजाद करवा कर ले जाऊंगा। उसकी माँ कहती है तुम्हारे पिता मुझे गुलाम समझते थे, उनकी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं थी, बस सिर्फ पैसे को और अपनी सियासत को बढ़ाने में वक्त दिया करते थे, इसलिए मैंने फिजूर को कब्जे में किया, तुम्हारे पिता को मरवा दिया ताकि मैं आजादी से खुलकर जी सकूं और सबको कंट्रोल कर सकूं।
और अब जब तुम फिजूर को मारने ही वाले हो, उसके बाद मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी और हम इस पूरी प्रजा पर राज करेंगे। यह सुनकर एमलेट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था उसकी माँ इस तरह सोच सकती है। और अब वह फिजूर के बेटे को मारकर उसका दिल निकालकर सीधा ओल्गा के पास जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हमारे लिए इस जगह पर कुछ भी नहीं है। ओल्गा उसे कहती है, तुम्हें अपने पिता का बदला लेना होगा, जिस काम के लिए तुम यहाँ तक आए हो उस काम को पूरा करना होगा। वह फिजूर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे की मौत से पूरी तरह बौखला जाता है और उसे पूरा का पूरा शक एमलेट पर ही है, इसलिए वह ओल्गा को पकड़ लेता है। और इससे पहले वह ओल्गा को मारता, एमलेट फिजूर के सामने आ जाता है और कहता है कि उसका दिल अब भी मेरे पास है। इसके बाद फिजूर के सिपाही उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एमलेट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वह एक एक करके सबको मार देता है। ओल्गा को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, इसलिए वह यहाँ से भाग जाती है। फिजूर की सेना बहुत बड़ी होती है, इसलिए एमलेट को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद एमलेट को बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता है। हालांकि फिजूर उसे मारना चाहता है, लेकिन वह सबसे पहले अपने बेटे के फ्यूनरल में जाता है और फिजूर की एब्सेंस में एमलेट के पास बहुत सारे कौवे आते हैं। दरअसल ये उसके पिता की आत्मा है जो उसे आजाद करवा देते हैं। फिजूर जब वापस आता है तो देखता है एमलेट उस जगह पर नहीं है। फिर एमलेट को दिखाया जाता है जो ओल्गा के पास पहुंच चुका होता है। यह दोनों के दोनों उस जगह से बहुत दूर हैं। अब इन्होंने शादी भी कर ली है। अब एमलेट और ओल्गा एक बोट के जरिए उनके एक रिश्तेदार के वहां जाने के लिए निकल रहे थे। तभी एमलेट ओल्गा के पास आता है और उसे पता चलता है कि ओल्गा का बच्चा होने वाला है। तब एमलेट ओल्गा से कहता है कि मैं अब फिजूर को मारे बिना तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने उसे नहीं मारा तो वह एक ना एक दिन मेरे बच्चे को जरूर मार देगा। फिर एमलेट बोट वाले को एक रिंग देता है और कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी के रिश्तेदार के घर सही सलामत पहुंचा देना। ओल्गा यहाँ एमलेट को काफी रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता और वहाँ से जाते जाते यह कहता है कि नया राजा मैं नहीं बल्कि हमारा बच्चा होगा। यह कहते ही एमलेट पानी में कूद जाता है तो देखता है वहाँ बहुत सारे लोग अपने आप मर जा रहे हैं, क्योंकि जिस तलवार को एमलेट ने ली थी वह कोई आम तलवार नहीं थी। उस तलवार में बहुत सारी पावर थी, इसलिए वह आज तक एमलेट की मदद करती आई थी और इसके ही वजह से एमलेट ने बहुत सारे सिपाहियों को भी मार चुका था। अब यहाँ एमलेट उस सिपाही को भी मार देता है जिसने बचपन में एमलेट को पकड़ने की कोशिश की थी। अब एमलेट यहाँ फिजूर के बचे हुए सिपाहियों को भी मार देता है। ऐसा करने के बाद सारे गुलामों को आजाद कर देता है और फिजूर को मारने के लिए उसे ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाता है। यहाँ पर पीछे से आकर उसकी माँ हमला कर देती है, लेकिन गलती से तलवार उसकी माँ को लग जाती है और उसकी माँ मर जाती है। फिर फिजूर एमलेट के सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें हेल में मिलूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एमलेट हेल पहुंच जाता है, जहाँ पर आगे बढ़ने पर फिजूर उस पर पीछे से हमला कर देता है और यहाँ उन दोनों की काफी देर तक लड़ाई चलती है। उन दोनों एक दूसरे पर